Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to a new vlog. आज है संडे. दूसरे दिनों में क्या होता है, एक तरफ उमा को देखो, एक तरफ काम को संभालो. तो संडे को मुझे कोई भी काम रहता है ना, मैं उतना चिंता नहीं करती क्योंकि मैं सिर्फ वो काम कर सकती हूँ और सौरभ रहता है यहाँ उमा को संभालने के लिए. मम्मा मम्मा तुम्हें खेली चू बोले बाबा जी. और ये देखो हमारा देसी जुगाड़ यहाँ पे ये सोफा हमने इसीलिए ऐसे रखा है ताकि उस तरफ जो पौधे हैं ना वो जाके ये ना पकड़े. तो अभी देखिए इस सोफा के वजह से बैरियर बन गया है ना, इस तरफ तो हमारा ये बेड है तो इसको भी हमने ये प्लाई से यहाँ पे पूरा लॉक किया है ताकि वो उस तरफ ना जा पाए. और बीच में थोड़ा सा गैप रह गया था, ऑब्वियसली ये तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन तो हमको भी ये सब कूद कूद के जाना पड़ेगा इसके ऊपर से, तो ये थोड़ा सा स्पेस है जाने के लिए. तो इसको भी हमने ये जो अमेजोन का बॉक्स है ना अभी फिलहाल ये रखा है. और ये बिल्कुल भी हल्का नहीं है, उमा इसको नहीं हटा पाएगी. इसके अंदर सिम्बा ब्राउनी का घास भर दिया है. पहले तो उनका बस्ता रख रहे थे लेकिन वो थोड़ा सा हैंडल करने में अजीब सा हो रहा था, है ना, कैसा फैल रहा था. तो अभी वो घास इसमें भर दिया है और ये अभी काफ़ी हैवी है तो इसी से हमारा काम चल रहा है. ऐसे इंडियन देसी जुगाड़ हमेशा काम आता है. बोलो, सस्ता सुंदर टिकाओ, चीप एंड बेस्ट. आज तो किचन में भी जुगाड़ू आइडिया चल रहा है. ये देखिए यहाँ पे ना मैंने पूरी बनाने के लिए बना के रखा है और यहाँ पे तेल गरम हो रहा है. ये पिछले 10 मिनट से गरम हो रहा है, मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा है. ये जो गैस का चूल्हा होता है ना इसमें फ्लेम जैसे नॉर्मल हम लोग इंडिया में जो चूल्हा यूज़ करते हैं उससे कम होता है. देखिए मैं अभी इसको फुल कर रही हूँ, फुल में भी बस इतना सा ही है. मुझे नहीं पता आप लोगों को कैमरे में कितना पता चलेगा. और ये देखिए इसके बीच में ऐसा होता है ना तो सिर्फ ये साइड से ही फ्लेम आता है, बीच में से कुछ भी नहीं आता. तो ये तेल प्रॉपरली गरम नहीं होता, पूरियाँ फूलते नहीं है अगर प्रॉपर ऑयल गरम ना हो. तो इसीलिए अभी मैं क्या करती हूँ, तेल को लेके ऐसे पहले से गरम करने के लिए रख देती हूँ. अच्छे से गरम होता है फिर पूरियाँ तलना शुरू करती हूँ. ब्रेकफास्ट में पूरी बन रहा है और लंच में बनेगा बिरयानी. बिरयानी के लिए यहाँ पे चिकन है मैरिनेटेड, ये मैंने कल रात को ही मैरिनेट करके रख लिया था. और अभी मैं इसको निकाल के इसलिए रखा क्योंकि फ्रिज में था ना पूरा ठंडा है और ये कच्ची बिरयानी बनने वाला है. थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, उसके बाद मैं कुकिंग शुरू करूंगी. जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे ना तब हम लोगों का बिल्कुल भी प्लान नहीं था ऐसा कोई कुकिंग रेंज लेने का, लेकिन ये हमें बहुत कम प्राइस में मिल गया था. तो मेरे पास तो वो इंडिया में जैसे गैस का चूल्हा यूज़ होता है वैसा है, मेरा प्लान भी था कि मैं वही यूज़ करूँगी. पर यहाँ पे ना किचन में स्पेशली ऐसे कुकिंग रेंज रखने का जगह बना हुआ है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे गैस जो है उसका कनेक्शन ऐसे पाइप से आता है और यहाँ पे मेरा कुकटॉप रखने के लिए कोई जगह नहीं था तो वो मुझे अलग से बनवाना पड़ता. वो बनवाने में जितना खर्चा आ रहा था उसी में मुझे ये कुकिंग रेंज मिल गया. तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो यही खरीद लेते हैं, ये टॉप बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं है. वैसे भी अगर हम लोग ये फ्लैट को छोड़ देंगे ना तो हमें जैसा था पहले बिल्कुल वैसे करके देना पड़ेगा उनको. इंडिया वाला जो गैस का चूल्हा होता है ना उसका फ्लेम बहुत अच्छा होता है, पूरियाँ बहुत अच्छे से उसमें फूलता है और पूरियाँ ना जल्दी जल्दी बेलना पड़ता है. एक साथ 7-8 पूरी पहले से बना के रख दो, कोई और अगर आपका हेल्प कर रहा है साइड में वो बनाते जाएगा और आप तलते जाओगे तो आसानी होती है. लेकिन यहाँ पे ये तेल इतना आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है कि एक पूरी आप तलो तो फिर एक पूरी तलने में वो ऑयल फिर से उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है. फिर मैं दूसरी पूरी जब बनाती हूँ उसको बेलती हूँ तब तक के ये ऑयल फिर से गर्म होता है तो फिर मैं एक एक करके तलती हूँ और एक एक करके बेलती हूँ, ऐसे करके बनाती हूँ. तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जब भी पूरी बनाना हो. पहले मैं वही सोचती हूँ कि पहला वाला जो मेरा चूल्हा था उसमें सब कुछ कितना झटपट बनता था, लेकिन इसमें सब कुछ धीरे 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 बनता है. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कुछ भी खाना बनाओ इसमें. आज उमा सौरभ के हाथ से ब्रेकफास्ट खा रही है और नॉर्मली तो मैं उसे ब्रेकफास्ट में घर का बना हुआ सेरेलक खिलाती हूँ या फिर कभी कभी पैनकेक बना देती हूँ,
कभी कभी कुछ और, लेकिन आज ना उसे ये डब्बा वाला खाना खाना है। पता नहीं उसको आजकल ये सब कुछ कैसे समझ में आता है, उसने ये देखा डब्बा, क्योंकि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं वो तो इसी में से खाती है, शायद वो इसको पहचानती है, तो वो ना ये डब्बे को लेके ऐसे कर रही है, मतलब उसको यही खाना है। तो सौरभ ने बोला चलो कोई बात नहीं, शायद उसको ये खाने का मन है, एक दिन उसको घर पे यही खिला देते हैं। एक्चुअली हम ना घर पे कभी उमा को ये डब्बा वाला खाना उतना नहीं खिलाते। एक दिन शायद हम लोग कहीं पे जा रहे थे, बहुत जल्दी में थे तो उसको खिलाया था, ऐसा एक दो दिन ऐसा हुआ होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसको घर का बना हुआ खाना ही खिलाते हैं, और ये खाना सिर्फ जब हम लोग बाहर जाते हैं तब ये डब्बा वाला खाती है। और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, ये देखिए ये हलवा, ये जो सूजी का हलवा है ना, ये सौरभ ने बनाया था कल रात को। जब भी हम लोग कुछ खाते हैं उमा को भी उसमें से खाना रहता है, उसको अपने खाने से ज़्यादा अच्छा हमारा खाना लगता है। अभी हम लोग ये हलवा पूरी खा रहे हैं ना, तो उसको भी खाना है। मुझे ना पूरी के साथ हमेशा आलू की सब्ज़ी अच्छा लगता है, सूजी का हलवा मुझे उतना पसंद नहीं है, पर ये हलवा बहुत टेस्टी बना है। বাবা তুমি ব্রেকফাস্ট করেছ, আমি তোমাকে হজম করিয়ে দিয়ে, আবি আবি সৌরভ নে যে ব্রেকফাস্ট কিয়া হে ও হজম হো জায়েগা। এটা কি হচ্ছে মাম্মা? মা লিট্টু বাচ্চা, নিজেরটা করো নিজেরটা। मैं ना यहाँ पे पोटैटोस को डीप फ्राई कर रही हूँ, मैं इनको अलग से बॉईल नहीं करूँगी। नॉर्मली बिरयानी में जब पोटैटोस को ऐड किया जाता है ना, उसको थोड़ा सा बॉईल करके फिर हल्का सा फ्राई करके फिर ऐड करते हैं, पर मैं आज इनको डीप फ्राई कर लूँगी और बाकी ये बिरयानी में कुक हो जाएगी। और यहाँ पर मैं एक दूध का मिक्सचर बना रही हूँ, जिसमें मैंने बिरयानी मसाला, फिर केवड़ा वाटर, थोड़ा सा मीठा अतर जो कि मैं कोलकाता से लाती हूँ, वो सब मिक्स करके रख रही हूँ। इससे बिरयानी का जो लेयर बनेगा उसमें ये छिड़कना पड़ेगा। और ये देखिए कैसे मैंने आलू को फ्राई कर लिया है एकदम लाल लाल करके। ये बहुत ज़्यादा कुक नहीं हुआ है, अराउंड 20% तक कुक हुआ होगा, बाकी ये बिरयानी के साथ अच्छे से कुक हो जाएगा, क्योंकि मैं जो बिरयानी बना रही हूँ वो कच्ची बिरयानी है और चिकन जो है वो सिर्फ मैरिनेटेड है, मैंने चिकन को बिल्कुल भी नहीं पकाया है। तो ये देखिए अभी ये आलू को मैं निकाल के ना डायरेक्ट चिकन के साथ ही रख रही हूँ। आलू को रखते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि आलू जो है वो जो पैन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए उसके बॉटम को टच करे, तो चिकन एंड आलू सब कुछ बॉटम को टच करते हुए रखना पड़ेगा। इसीलिए कच्ची बिरयानी बनाते वक्त बहुत ज़्यादा चिकन या बहुत ज़्यादा आलू यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको बड़ा बर्तन चाहिए होगा। वैसे भी बिरयानी बनाने के लिए बड़ा बर्तन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि घर पे हमारे पास उतना बड़ा चूल्हा नहीं रहता। अगर बर्तन बड़ा होगा तो उस हिसाब से फ्लेम भी ज़्यादा होना चाहिए। मैरिनेटेड चिकन के साथ मैंने फ्राइड आलू को रख दिया है, अभी मैं चावलों को पका लूँगी। उसके बाद चावलों का सिर्फ लेयर होगा, चिकन और आलू तो एकदम बॉटम में ही रहेगा, क्योंकि उसको कुक होना है अच्छे से। चावलों के बीच में लेयरिंग करके जैसे बनता है ना, वैसे नहीं बनेगा। तो मैं चावल पकाने के लिए पानी जो है इसको अच्छे से गर्म करती हूँ, और उसमें होल गरम मसाला, स्टर अनीस, ये सब कुछ ऐड कर देती हूँ,
तेज पत्ता ऐड करती हूँ और जैसे चाय बनती है ना बिल्कुल वैसे कलर आ जाता है मसाला उसमें बॉईल होके, फिर मैं उसमें चावलों को ऐड करती हूँ। कच्ची बिरयानी बनाते वक्त चावलों को पकाना थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दो बैच में मैं चावलों को पकाऊंगी, एक्चुअली सारे चावल जो है उसको एक साथ ही ऐड करना है पानी के अंदर, लेकिन थोड़ा सा चावल उसमें से पहले निकाल लेना है, बस थोड़ा सा ही वो पानी में बॉयल होगा, उसके बाद आप कह सकते हो अराउंड 30% कुक होगा, उसके बाद मैं चावलों को निकाल लूँगी और बाकी का राइस मुझे सिर्फ 60% पकाना है, उसके बाद ड्रेन कर लेना है। और ये देखिए सारे जो प्याज बिरिस्ता है, मिल्क का जो मिक्सचर है, सब कुछ रेडी है। अभी मैं इसमें से जो 30% कुक हो गया है वो वाला राइस निकाल के पहला वाला लेयर लगा दूंगी। मैं कल भी कह रही थी ये जो मैरिनेटेड चिकन है ना, इसी में अगर मैं पुदीना एंड धनिया को चॉप करके ऐड कर देती तो ये हैदराबादी बिरयानी बन जाता। कोलकाता के जो लोग होते हैं ना, उनका बिरयानी को लेके स्पेसिफिक एक पसंद होता है। हम बंगालीज को नॉर्मली कोलकाता का बिरयानी ही अच्छा लगता है, दूसरा बिरयानी हम लोगों को उतना पसंद नहीं है। इनफैक्ट हैदराबादी बिरयानी भी उतना अच्छा नहीं लगता। मैं अभी बहुत सालों से दुबई में हूँ, यहाँ पे बहुत तरीके के बिरयानी मैंने खाया है, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे टेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है, मुझे अभी हर तरीके का चल जाता है। मैं साउथ इंडियन बिरयानी, मलबारी, सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ। हर किसी का फ्लेवर, टेस्ट सब कुछ अलग होता है, लेकिन कोलकाता का जो बिरयानी होता है ना, उसकी ब्यूटी है उसका एरोमा। और कोलकाता के लोग कोलकाता वाला बिरयानी ही खाते हैं क्योंकि कोलकाता में वही मिलता है, दूसरी जगह का बिरयानी उतना कोलकाता में चलता नहीं है। अगर आप बंगाली हो तो आपको पता ही होगा, और अगर बंगाली नहीं हो और अगर आप कोलकाता गए हो तो आपने सुना होगा दादा बोधी का बिरयानी बहुत फेमस है कोलकाता में, तो वो भी अपना टेस्ट और अपना जो एरोमा है उसके लिए वो फेमस है। ये जो मैं बिरयानी बना रही हूँ ना, ये रेसिपी मैंने यूट्यूब से ही सीखा था बहुत पहले, तब उतना यूट्यूब में इतना ज़्यादा चैनल्स नहीं होते थे, प्रॉपर एक शेफ़ के वीडियो देख के मैंने ये सीखा था, और ये हैदराबादी रेसिपी ही था। मैं पहले इसमें कोरिएंडर लीफ एंड पुदीना सब मिक्स करके बनाती थी, फिर बाद में मुझे फील हुआ कि अगर मैं इसमें से पुदीना एंड कोरिएंडर लीफ को हटा देती हूँ तो देखते हैं कैसे बनता है। मैंने जो बिरयानी की रेसिपी देखी थी ना, उसमें मीठा इत्र नहीं यूज़ हुआ था, लेकिन कोलकाता का जो बिरयानी होता है वो तो मीठा इत्र के बिना बन ही नहीं सकता, वही होता है बिरयानी का जान, उसी से सब एरोमा आता है। तो मैंने जो रेसिपी देखा था उसमें से कोरिएंडर लीफ एंड पुदीना लीफ को हटा दिया और मीठा इत्र ऐड कर दिया, उसके बाद ओ माय गॉड, ये बिरयानी का टेस्ट और एरोमा इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बना ना, जो हमारे कोलकाता के लोगों को अच्छा लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन कोलकाता के जो बिरयानी होता है उसमें मुझे पहले से एक कमी लगता था कि उसका चिकन हो या मटन हो वो थोड़ा सा प्लेन लगता है, लगता है कि इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ कमी है। बिरयानी के साथ साइड में अगर कुछ चिकन या मटन का डिश ले लेते हैं ग्रेवी वाला तो अच्छा लगता है, लेकिन ये वाले मैरिनेशन के साथ मीठा इत्र ऐड करके जो बिरयानी बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। और मैंने जिस को बना के खिलाया है ना कोलकाता में भी, वो बंगाली लोग को भी बहुत पसंद आया, और उन्होंने भी कहा है कि ओ माय गॉड, ये कैसी बिरयानी है, मतलब इतना अच्छा बिरयानी हम लोगों ने अब तक नहीं खाया, इसका जो चिकन हो या मटन हो इसमें से इतना अच्छा स्वाद आता है ना, जो कोलकाता का बिरयानी में इतना अच्छा स्वाद नहीं होता। कोरिएंडर लीफ एंड मिंट के साथ जो बनता है वो मुझे बहुत पसंद है, सौरभ को भी अच्छा लगता है, मेरे घर में मेरे पापा को बहुत पसंद है पर मेरी मम्मी को उतना अच्छा नहीं लगता, मेरे भाई को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जब मैंने कोरिएंडर लीफ एंड मिंट को हटा के बनाया तब सबको बहुत अच्छा लगा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ हम बंगालीज हैं ना, बंगालीज को शायद सबको वो हर्ब वाला फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, जैसे मुझे और सौरभ को पसंद है लेकिन बाकियों को वो पसंद नहीं आया, पर वो हटाने के बाद बंगालीज के लिए ये बिरयानी एकदम परफेक्ट बन गया, एंड आई थिंक बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर मेरा ये वीडियो देख के आप लोग भी ऐसे घर पर बिरयानी बनाते हो तो कमेंट में आके ज़रूर लिखना कि कैसा बना वो बिरयानी और आप लोगों को कैसा लगा। चलो बातों ही बातों में बिरयानी का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है, पूरा चावल का मैंने लेयरिंग कर दिया है, यहाँ पे
तीन लेयर में मैंने चावलों को रखा है, बीच बीच में प्याज बिरिस्ता और जो मिल्क का घोल बनाया था वो थोड़ा सा छिड़का दिया है ऊपर से। मिल्क में ही मैंने घी भी मिक्स कर दिया था तो इसीलिए मैं अलग से और घी ऐड नहीं कर रही हूँ। चावलों के लेयर में थोड़ा थोड़ा घी भी चाहिए होता है। और प्याज को तो मैंने कल ही घी में ही फ्राई किया था तो उसमें भी काफ़ी सारा घी पहले से लगा हुआ है। पहले 5 मिनट मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी, फिर 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी, उसके बाद एक तवे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे ही ये धीरे धीरे कुक होगा 1 घंटे के लिए। हेलो मां, हेलो बिरयानी की कितनी अच्छी खुशबू आई है मालूम है? पूरा घर महक गया हमारा। अभी तो हमारे घर के सामने से जो जाएगा उसकी हालत खराब हो जाएगी, खाने को मन करेगा, है ना? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अम्मा अप्पा अप्पा अम्मा अम्मा ओए बाबा ये वो इसको किस कर रही है ना। झकास झकास स्मेल बहुत अच्छा है, अरोमा टेस्ट एवरीथिंग परफेक्ट। अभी तो तुमने चिकन और आलू ट्राई भी नहीं किया। चिकन किया ना, चिकन के अंदर पूरा टेस्ट अच्छा से गया। ऐसे मैरिनेटेड करके रख दो ना एक दिन पहले तो ज्यादा अच्छा बनता है, मतलब पूरा फ्लेवर चला जाता है चिकन के अंदर। हाँ। और आज मैंने वो पुदीना और धनिया नहीं डाला, पुदीना और धनिया से वो हर्ब वाला बिरयानी बन जाता है, हैदराबादी टच। और ऐसे बनाओ तो कच्ची बिरयानी बनता है, थोड़ा कोलकाता वाला बनता है, एकदम परफेक्ट है। चलो सौरभ को बिरयानी खा के अच्छा लगा, मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई। मैं थोड़ी क्यूकम्बर के साथ बिरयानी खाऊंगी और साथ में देखूंगी नेटफ्लिक्स। सो गाइस आज का ये व्लॉग बस यही तक, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना।